तो दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूजफुल जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों आज आपके किचन का काम भी आसान होने वाला है और साथ ही साथ टाइम भी पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से धनियों को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि गर्मियों का दिन आ चुका है, गर्मियों का सीजन आ चुका है, आप सभी को पता है कि अब धनिया हमारी महंगी होने लगी है। तो हम धनिया जब ले आते हैं खरीद के, आपने देखा होगा 10 रुपये की धनिया जरा सी देते हैं, तो हम सबसे पहले धनिया को छांट लेंगे। और अगर हम ऐसे ही पन्नी में रखते हैं तो पन्नी में हमारी धनिया ख़राब हो जाती है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से न्यूज़पेपर ले लेना है। न्यूज़पेपर नहीं है तो बच्चे कॉपी वगैरह पेज लेके डबल करके आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद अब आप इसको देखेंगे ना कि जितना भी पानी फ्रिज में हम रखते हैं, तो आपने देखा होगा पन्नी में पानी हो जाता है, तो जितना भी पानी इसके अंदर आएगा, ये जो मैंने पेपर लगाया हुआ है सारा पेपर अब्जॉय कर लेगा और आपका धनिया लंबे समय तक और लंबे टाइम तक के चलेगा। ये धनिया बिल्कुल भी आपका गलेगा नहीं, ना ही ख़राब होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इंच टेप को लेके है। जब हम सिलाई करते हैं तो आपने देखा होगा हम ऐसे छोड़ देते हैं इंची टेप, लेकिन होता क्या है, हम डोर में अपने ऐसे इंची टेप को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा धीरे धीरे लग के इंची टेप हमारा ख़राब भी हो जाता है, ऐसा होता है कहीं ना कहीं कट भी जाता है, अगर ये टूट जाता है तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें ई के आपने देखा होगा लोहा लगा हुआ आता है, हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जब हमेशा इंची टेप हम इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, जो सिलाई वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके लिए तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है ना कि हर हाउस वाइफ हमेशा इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो इस तरीके से इंची टेप को अच्छी तरीके से फोल्ड करके, और फोल्ड करने के बाद इसमें आपको एक रबड़ लगा देना है और जो आपके सिलाई मशीन है आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो इंची टेप है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और लंबे समय तक ही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके के छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो अगला हैक टिप दोस्तों जो ये मिर्च होता है, आपने देखा होगा गर्मियों में हर चीज़ हमारी महंगी हो जाती है, मिर्च हो या धनिया हो कोई भी हरी सब्जी हो। तो देखिए मैंने मिर्च के डंठल को तोड़ लिया है, आप देख पा रहे हैं, मैंने दिखाया है, इसको अलग रख लिया है। जब भी हम मिर्च को ले आते हैं तो सबसे पहले इसके डंठल को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद तभी हमें मिर्च को स्टोर करके रखना है। इसलिए कि हम मिर्च को डंठल को तोड़ देते हैं तो हमारी जो मिर्च है काफ़ी लंबे समय तक चलता है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मेरे पास इस तरीके से एयर कंटेनर डिब्बा है, तो इसमें मैं रख दे रही हूँ। अगर एयर कंटेनर डिब्बा नहीं है तो आप पेपर में फोल्ड करके इसको पन्नी में रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिर्च है आपका लंबे समय तक के चलेगा और ये मिर्च आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों जो मैंने मिर्च का डंठल तोड़ा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे जो मिर्च का डंठल है इसको हम फेंकेंगे नहीं, एक बर्तन में पानी ले लेना है और ये जो मिर्च का डंठल है इसको हमें ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद आप अगर गमले के पौधे के शौकीन हैं तो ये जो मिर्च का डंठल मैंने भिगोया है ओवरनाइट के लिए या 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे जब भी हम सुबह उठेंगे इस डंठल को निकाल देना है। अगर आपके गमले में कीड़े लगे हैं, फंगस से लगे हैं, और आपने देखा होगा छोटे छोटे मच्छर से भी लगे रहते हैं, तो इसको क्या करना है कि डंठल को निकाल के और इस पानी को आप अपने गमले के ऊपर स्प्रे वाली बोतल में डाल के इसको आप छिड़केंगे ना, जितने भी इसमें कीड़े वगैरह लगे हैं आपके गमले के पौधे में सारे ये उड़ जाएंगे और मर जाएंगे, बिल्कुल भी ये लगेगा नहीं और आपका गमला काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगला हैक टिप दोस्तों, ये जो ब्रश है ना, हमारे घर में कई सारे ब्रश ही ख़राब रहते हैं, हम क्या करते हैं इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ पड़ा ही रहता है। दोस्तों ये ख़राबी ब्रश है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो ब्रश है इसको मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने चाकू को गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद ये मैंने चाकू को ब्रश को कटिंग कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला पार्ट चाहिए। अब मुझे ले लेना है डबल टेप, डबल टेप ले लिया है। डबल टेप लेने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला ये जो पार्ट है, बस मुझे इसी की ज़रूरत है, तो ये ब्रश के ऊपर मैं लगा देती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी होने वाला है।
चलिए इसको मैं कहीं भी दीवार में हैंग कर देते हैं, कहीं भी क्या, जहाँ पे हम ज़्यादातर बर्तन धोते हैं। मैं इसको आप कहीं भी करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों होता है ना कि हम जब जहाँ पर हमारा सिंक है वहाँ पे हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। मैं तो क्या होता है ना कि हम जब कुकर वगैरह और या वैसे कढ़ाई वगैरह धोते हैं तो आपने देखा कोने कोने जो साफ़ करते हैं ना तो हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों मैंने इसीलिए काटा हुआ है और दूसरा ब्रश ले लेंगे, इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, आप इसको अपने वाश बेसन या सिंक के पास लगा देंगे, कोने कोने अच्छी तरीके से आप बर्तन वगैरह में अपने बहुत इजीली तरीके से कुकर वगैरह में देखते हैं ना दाल वगैरह बनाते हैं तो ये ऐसे ऐसे जगह दाल चले जाते हैं कि हम इसको ब्रश बिना साफ ही नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप इसको अपने सिंक के पास ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं, ये जो लहसुन होता है। दोस्तों जो हाउसवाइफ होती हैं खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है, लहसुन छीलने में भी एक्सपर्ट होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लहसुन छीलते छीलते हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो दोस्तों इन्हीं के लिए एक छोटा सा हैक टिप लेके आई हूँ कि जब ज़्यादा लहसुन क्वांटिटी में छीलना है तो मुझे एक इस तरीके से बर्तन ले लेना है और बर्तन में मुझे इस तरीके से लहसुन को डाल देना है। अब देखेंगे, चलिए आगे की भी प्रोसेस मैं बताती हूँ कि एक कुकर ले लिया है, कुकर को मैंने गैस पर रख दिया, इसमें सिर्फ छोटा गिलास एक गिलास पानी डाल दिया है। अभी जो मग्गे मैंने रखा हुआ लहसुन को इसके अंदर रख के और मुझे जो कुकर का ढक्कन है इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद मुझे 5 मिनट छोड़ देना है, 5 मिनट सिर्फ, मुझे सीटी नहीं लगाना है, बस इसको 5 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देना है। अब इसके बाद छोड़ने के बाद अब आप देखेंगे जितने भी लहसुन के छिलक है ना अंदर अंदर ये अच्छी तरीके से नम हो जाएंगे और ये जो लहसुन के छिलक है बहुत इजीली तरीके से छिला जाएगा। तो चलिए 5 मिनट बाद मैंने बंद कर दिया था, अब आप देख पा रहे होंगे मैं ये जो मग है मैं अपने हाथों से उठा रही हूँ। तब चलिए मैं छील के दिखाती हूँ, इसका छिलका काफ़ी हद तक के मुलायम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं छील के दिखा रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आपको लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना है तो आप इसी तरीके से एक बार लहसुन को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपके नाखून में भी दर्द नहीं होगा, जितने भी इसके छिलके हैं काफ़ी इजीली तरीके से ये मुलायम हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए, अगर ट्रिप जरा से भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इतनी जल्दी कितने सारे लहसुन बहुत इजीली तरीके से ये छीला जा रहा है, तो आप दोस्तों इस ट्रिक को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने जरा सी देर में इतने सारे लहसुन को छील लिया है, अभी मुझे लहसुन छीलना है तो मैं ज़रूर छीलूंगी लहसुन को। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।